तो स्वागत है आपका क्रिक टाइम पर। कल ही इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच जो फर्स्ट टेस्ट मैच था वो खत्म हो चुका है। उसका तो कोई नतीजा आया नहीं, वो मैच रहा ड्रॉ। लेकिन क्या उसमें इंग्लैंड जीत सकती थी? और क्या कहा इंग्लैंड के पूर्व जो कप्तान थे, उन्होंने क्या कहा कि या फिर न्यूजीलैंड के पास कोई एज था जब उन्होंने सेशन के बाद डिक्लेयर कर दिया? तो आज हम देखते हैं फिफ्थ डे में क्या हुआ और क्या कुछ घटा उस समय, और ये भी जानेंगे कि ऑली रॉबिन्सन के साथ क्या हुआ। जी हाँ, चौथे दिन की खेल की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड के पास 165 रन की लीड थी। अब हमें ये देखना था कि पांचवें दिन का खेल किस तरीके से जाता है। जिस तरीके से हमने हमारे शो में ये प्रिडिक्ट भी किया था कि शायद ऐसा हो सकता है कि पहले सेशन में न्यूजीलैंड ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करे और बाकी की दो सेशन वो ट्राई करे कि वो इंग्लैंड को ऑल आउट कर पाए। और उसी तरीके से कुछ खेल घटा। पहले सेशन में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज खेलने आए, टॉम लेथम आए थे और नील वैगनर जो कि नाइट वॉचमैन बन के आए थे वो आए पांचवें दिन उनके साथ उतरने। तो फिर जो न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी है वो इस तरीके से चली। टॉम लेथम जो थे वो 36 रन पे आउट हो गए। नील वैगनर भी 10 रन बना के आउट हो चुके थे। रॉस टेलर आए, उन्होंने भी 35 बॉलों पर 33 रन बनाए। मतलब वो सीधा सीधा साफ संकेत था कि न्यूजीलैंड अब मतलब अच्छी गति से रन बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर हेनरी निकोलस आए, उन्होंने भी 36 गेंदों पर 23 बनाए। बीजी वॉटलिंग आए, उन्होंने 26 गेंदों पर 15 बनाए। कॉलिन डी ग्रैंडहोम आए, उन्होंने मात्र 5 बॉलों पर 9 रन बनाए। पर उसके बाद जो है बारिश आ गई थी फिर से फर्स्ट सेशन में, तो उसकी वजह से जो लंच था वो जल्दी दे दिया गया। उसके बाद न्यूजीलैंड ने ये डिसाइड किया कि अब हम अगले दो सेशन इंग्लैंड को बैटिंग करने के लिए बुलाएंगे और हम ट्राई करेंगे कि हम उन्हें ऑल आउट कर पाए। पर उस तरीके से नहीं हो पाया। इंग्लैंड जब बैटिंग करने आई तो रॉरी बंस और डॉम सिबली की एक 50 रन की पार्टनरशिप हुई जिसमें रॉरी बंस 25 रन बना के आउट हो गए। फिर बाद में जैक क्रॉली आए, उनका विकेट जल्दी चले गया, वो 2 रन पे गए। फिर जो रूट और डॉम सिबली ने एक और बार अच्छी पार्टनरशिप बनाई, पर जो रूट भी फिर 40 रन बना के नील वैगनर का शिकार हुए। और फिर ऑली पॉप आए और उन्होंने भी 20 रन बनाए और आखिर में डॉम सिबली भी 60 पे नाबाद रहे। पर तब तक के पांचवें दिन का खेल समाप्त हो चुका था और 170 रन पे 170 रन बना के 3 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड अभी भी खेल में थी। मतलब जो सीधा साफ जो रिजल्ट रहा मैच का वो था ड्रॉ। और मुझे लगता है लेकिन कि जी जी हाँ, मुझे लगता है कि मतलब इंग्लैंड ने जो बल्लेबाजी है, उन्होंने सोचा होगा कि हमारे पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो एक चांस ले सकते थे। अगर उनके ओपनर स्टार्टिंग से ही अटैकिंग खेलते और फिर कई गेम अगर फंस भी जाता तो जो रूट और बाकी के बल्लेबाज वो संभाल लेते थे। जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये दो सीजन में लगभग जहां तक मुझे याद है लगभग 270 के करीब कुछ रन चाहिए थे इंग्लैंड को जीतने के लिए। और हमने भी जो बात की थी कि सेशन अगर वाइज से अच्छा हम 70 ओवर मान लो, सब 70 ओवर खेले समझो। नहीं, पर खेल उस प्रकार से नहीं आता ना क्योंकि शुरुआत में नई गेंद रहती है और उसमें भी इन हाँ जी, दोनों वो तो बात है, लेकिन अगर थोड़ा अटैकिंग खेलते तो फिर अगर मैच फंस भी जाता है तो फिर जो रूट आके वो मतलब एक दो विकेट तो वो चल ही जाता है ना, अगर वो संभाल लेते मतलब बाद में जो रूट वगैरह। शुरुआत में पर अच्छे पेस से जा रहा था खेल। जब टॉम सिबली और रोरी बंस खेल रहे थे तो लगभग 3 के आसपास की रन रेट से वो दोनों रन बना रहे थे। और उसके बाद फिर रोरी बंस आउट हो गए और फिर जैक क्रॉली का भी विकेट गया। फिर जो रूट आए, पर जो रूट ने भी अच्छी पेस से रन बनाए थे, उन्होंने 70 बॉल पे 40 रन बनाए। पर जो टॉम सिबली थे वो शायद कुछ ज्यादा ही धीरे हो गए, उन्होंने 207 गेंदों पे 60 रन बनाए। और ओली पॉप भी 40 गेंदों पर 20 रन बना पाए। और जो आखिरी के जो 20 ओवर थे उसमें करीबन 140 रन चाहिए थे इंग्लैंड को। और तब जो रूट और डॉम सिपली खेल रहे थे तब भी मुझे कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद शायद ये मैच मतलब इंग्लैंड जीत जीत के लिए जा सकता है। पर उसके बाद जो रूट आउट हो गए, फिर डॉम सिपली ने भी बहुत धीरे धीरे खेला और फिर वो आखिरकार मैच ड्रॉ ही हो गया।
तो लोकेश आपको क्या लगता है, न्यूजीलैंड के पास भी चांस था जीतने का? चांस तो दोनों के पास था, और मेरे ख्याल से ये मैच तो मतलब मन से न्यूजीलैंड ने जीत लिया है, क्योंकि अगर हम देखें जैसे कि वो 50 ओवर के वर्ल्ड कप में हुआ था, बाउंड्री वाउंड्री गिन ले या कुछ भी, अगर कोई भी अगर यहाँ पे मतलब क्राइटेरिया ले लेते थे तो न्यूजीलैंड पक्की जीत जाती थी, हाँ, मतलब और चांस मनोवैज्ञानिक न्यूजीलैंड जीत के, कह सकते हैं। हाँ न्यूजीलैंड के पास था अगर उनकी बॉलिंग ने प्रदर्शन किया होता अच्छा, मतलब अच्छा किया था स्टार्टिंग में, लेकिन जो बैटिंग दो थी सेशन उन्होंने में फिर डिफेंस भी कर लिया। मुश्किल हो ही जाता है वो, कि ऑल आउट कर दे सामने वाली टीम को, क्योंकि हाँ, सामने वाली और टीम तो बचाने के लिए देख ही रही थी। जैसा मैं कल स्कोर देख रहा था तब मैं ऐसा ही सोच रहा था, अगर जो इंग्लैंड के हम जाने माने बेस्ट उन्हें जैसे जॉस बटलर, बेस्टो, बेन स्टोक्स इन जैसे बैट्समैन रहे थे तो आपको पता ही है, जैसे जेसन रॉय मतलब आते ही वो मारना शुरू कर देते हैं, जैसे हमने देखा है हमारी जो 50 ओवर की मैच थी उसमें भी वो मतलब स्टार्टिंग में ही धो देते थे लेकिन वो बाद में फंस जाते थे, लेकिन यहाँ पे फंसने के बाद जो रूट थे संभालने के लिए जी हाँ, मतलब अगर मेरे को तो ऐसा लग रहा था कोई भी जीत मतलब ड्रॉ नहीं होनी चाहिए ऐसा लग रहा था, मेरे को फीलिंग आ रही थी, लेकिन वो आखिरी में हुआ उससे वही ड्रॉ हो गई, लेकिन मन से जीत उन ज्यादा चांसेस अंदर तो ही ड्रॉ अंदर, के ही थे। हाँ ड्रॉ के थे लेकिन खुश अंदर से न्यूजीलैंड होंगे क्योंकि उनका प्रदर्शन अच्छा था, जी हाँ, और इंग्लैंड मतलब हो गया भाई हो गया ऐसे करके, आज खत्म हो लोकेश गया ऐसे करके हो गया। ने बहुत ही सही बात कही कि जो मनोवैज्ञानिक जीत है वो जरूर न्यूजीलैंड के साथ है, क्योंकि हाँ देखिए अगर न्यूजीलैंड का केन विलियमसन जो उनके कप्तान है न्यूजीलैंड के, उन्होंने भी यही कहा था कि वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, और अगर बारिश नहीं आती तीसरे दिन या जो दूसरे पांचवें दिन जो पहले सेशन में जो जो बारिश नहीं आई अगर वो भी नहीं आती तो शायद चांस हो सकता था कि न्यूजीलैंड ये मैच अपने नाम कर लेती, क्योंकि जी हाँ जी हाँ देखिए अभी उनको सिर्फ दो दो विकेट की जरूरत थी, अगर वो दो विकेट निकाल लेते तो उनके टेलेंडर्स में घुस जाते थे न्यूजीलैंड, और फिर वहां पे बहुत चांसेस रहते हैं कि टीम वहां से जीत जाए। और हाँ न्यूजीलैंड का ये भी था ना, मतलब कि 200 रन पे वो डिक्लेयर नहीं करना चाहते थे, अपने आप को ट्रिकी पोजीशन में नहीं रखना चाहते कि यहाँ से गेम कहीं पे भी बदल टिल्ट हो सकता है, जाए, हाँ इसलिए उन्होंने एक पूरा सेशन लिया और बाद में सोचा कि अपन दो सेशन में इनको आउट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसा ही किया था हमारे यहाँ पे कि उन्होंने मतलब हमें वो 3 सेशन दे दिए थे खेलने के लिए, मतलब शाम का भी तो आउट हो गए थे वो, लेकिन हमको 3 सेशन मिल गए थे और शाम को थोड़ा टाइम मिला था जिसमें हमने वो मैच जीत ली थी, इस तरह बदल भी सकती थी वो, जो इंग्लैंड के अगर वो पहले डिक्लेयर कर देते तो वो मैच टिल्ट हो जाती थी इंग्लैंड की तरफ ज्यादा, मैं इसलिए तो तभी उन्होंने भी सोच रहा सोचा था, कि मैं जब वो स्कोर देख रहा था कि 10 ओवर में 103 रन चाहिए तभी भी मैं सोच रहा था कि अभी भी अगर इंग्लैंड ने चाहा तो ये मैच बदल सकती है, बट लेकिन उस तरह का इंटेंट और जो ये लगता है वो नहीं था उनके हाँ पास, क्योंकि वो वो नहीं सब था। अनएक्सपीरियंस खिलाड़ी है, सबके सब अभी अभी खेलने आए, उनकी जो मिडल ऑर्डर है तो वो तो थोड़ा रहता है दिमाग में। जी और हाँ मैं तारीफ करना चाहूंगा रॉबिन्सन की, अच्छा प्रदर्शन रहा उनका, जी हाँ, मतलब गेंद से भी और बल्ले से भी जो बल्ले से भी महत्वपूर्ण दोनों से। 42 रन बनाए उन्होंने। हाँ डेवॉन कॉनवे के बाद तो उनका प्रदर्शन मुझे बहुत अच्छा लगा ये टेस्ट में। जी हाँ मेरे को मुझे भी मतलब मेरे ख्याल से अगर अगर इंग्लैंड ये मैच जीत जाती तो जो मैन ऑफ द मैच रहते वो शायद ओली रॉबिन्सन ही रहते, क्योंकि उन्होंने 7 विकेट झटके और 42 रन की पारी भी खेली जो कि मेरे एक हिसाब से एक 200 रन की इनिंग्स से कहीं ज्यादा बेहतर है कि एक प्लेयर 7 विकेट अपने टीम के लिए ले रहा है और 42 रन भी बना रहा है।
हालांकि उनका जी। जो और हाँ वो ये आप जो कह रहे हैं 42 रन्स, वो भी ऐसे टाइम पे आए जब उनको सबसे हाँ ज्यादा जी जरूरत थी। अगर वो नहीं बनाते तो शायद आज न्यूजीलैंड जीत भी सकता था। हाँ, अगर वहां पे ओली हाँ रॉबिन्सन आउट हो जी करेक्ट। जाते, ओली रॉबिन्सन आउट हो जाते तो फिर पूरे पूरे चांसेस थे कि जो 30-35 रन जो इंग्लैंड ने ज्यादा बनाया वो कम बनते थे। हाँ, और जो सेशन एक्स्ट्रा का खेले है न्यूजीलैंड, वो उनको खेलना भी ना पड़ता अगर जल्दी से वो ऑल आउट कर देते उनको। लेकिन ओली रॉबिन्सन ने बहुत ही अच्छा किया, लेकिन उनकी जो कंट्रोवर्सी की वजह से अब उनको नहीं खेलने मिलने वाला है सेक्टेज। और जो हम ये बात कर रहे थे कि इंग्लैंड अगर चाहता तो ये मैच जीत भी सकता था, और यही उनके जो पूर्व खिलाड़ी जो कप्तान नासिर हुसैन इंग्लैंड के, उन्होंने भी यही कहा कि अगर इंग्लैंड इंटेंट दिखाता जीतने का, रन बनाने का, क्योंकि हमने यही बात इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में भी देखी थी ना, कि जब ऑस्ट्रेलिया ने हमें एक दिन में 300 से ज्यादा रन बनाने का लक्ष्य दिया था, फिर भी हमने उस इंटेंट के साथ खेला था कि 3 सेशन में, क्योंकि हमें भी पता है कि 3 सेशन में 320-330 रन नहीं बनते, पर इंडियन टीम ने वो इंटेंट दिखाया था जीतने का। और जिस तरीके से अगर हम देखें कि टॉम सिबली की पारी जिसमें उन्होंने 200 गेंदों पर 60 रन बनाए, हालांकि वो उनके लिए, मतलब उनके लिए बहुत अच्छे रन है, मतलब उनके पर्सनल जी हाँ, पर्सनल और स्टैट्स के ऐसा हिसाब से। ऐसा भी कह सकते हैं कि जो टीम मैनेजमेंट थी पहले, तो उन्होंने अच्छे से खेला, लेकिन बाद में टीम मैनेजमेंट ने कहा होगा कि मैच बचाओ करके, वो भी एक रीजन हो सकता है उतने गेंद खेलने का। जी हाँ, अगर जो रॉरी बर्न्स और टॉम सिबली की पार्टनरशिप अगर और 50-60 रन टिक जाती तो, और जैक क्रॉली अगर जल्दी आउट नहीं होते तो हो सकता था कि फिर, क्योंकि जो रूट ने तो वो इंटेंट दिखाया ही था ना, जो रूट ने 70 गेंदों पे 40 रन बनाए वो इंटेंट फिर भी दिखा रहे थे, और अगर हाँ, स्टार्टिंग में जो रूट वो दी लगातार 2 झटके नहीं पड़ते तो शायद हो सकता था कि फिर वो मैच बनाने के लिए जाते। कप्तान जो रूट अच्छा मतलब शो कर रहे थे कि हम भाई हारे नहीं, अभी तक जीत भी सकते हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए, और बार हो तो गया कि मतलब हम जो रूट जीत आउट हो गए गए। तो लगभग गेम खत्म ही हो गया था, समझ गया था ड्रॉ ही होगा मुकाबला। तो अब देखना होगा सेकंड टेस्ट में क्या होता है, और ये सीरीज कौन से मकाम पे जाती है, और न्यूजीलैंड क्या करता है, और इंग्लैंड जो अभी पिछड़ा हुआ लग रहा था ये टेस्ट में, वो कैसे कमबैक करता है। तो हम आपको बता दें कि जो सेकंड टेस्ट मैच है वो 10 तारीख से 14 तारीख के बीच खेला जाने वाला है, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। और फिर से ये वही बात पड़ जाती है कि मेन जो मुद्दा है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड पे, हम इतना जो फोकस कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हमें हमारे सामने अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल दिख रही है। अगर अभी तो न्यूजीलैंड अपने अच्छी स्थिति में है, उनके मन में उन्हें लग रहा होगा कि लगभग हम ये मैच जीत ही गए थे, अब उन्हें ये देखना होगा कि सेकंड मैच में न्यूजीलैंड किस तरीके से परफॉर्म करती है, क्योंकि अभी एक इंटरव्यू दिया था युवराज सिंह ने, उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि इंडिया वहां पे जाके 8-10 ट्रेनिंग सेशंस करेंगी, पर जो मैच प्रैक्टिस रहती है वो मैच प्रैक्टिस ही रहती है, और इस वजह से जो स्लाइटली जो एडवांटेज है वो न्यूजीलैंड के पास रह गई। और इसमें भी अगर न्यूजीलैंड अगर ये दूसरा टेस्ट मैच जीत जाएंगी तो उन्हें जो कंडीशंस से भी वो वाकिफ हो जाएंगे, और मनोवैज्ञानिक तरीके से भी उनका जो कॉन्फिडेंस रहेगा वो बहुत ऊपर रहेगा। जी जी हाँ, हाँ, जैसा मेरे को भी यही लग रहा था, जो न्यूजीलैंड वर्चुअल मतलब डायरेक्ट खेल रही है उससे उनको काफी फायदा होगा इंडिया से ज्यादा। जैसे कि आप मेरा तुम दोनों से एक सवाल है कि जो सेकंड टेस्ट में रॉबिसन नहीं खेलने वाले है, आप उनके जगह पे किसको देखते हैं सेकंड टेस्ट खेल जो है। देखिए, मेरे हिसाब से तो सेकंड टेस्ट में जैक लिश को खिलाना चाहिए, पर अगर इंग्लैंड को फिर से वैसे लगता है कि उनको एक फास्ट बॉलर चाहिए तो एक तो उनके पास ऑप्शन है ओली स्टोन, और दूसरा जो ईसीबी ने कहा है कि मतलब वो अभी रॉबिन्सन को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, तो ईसीबी एक फास्ट बॉलर को उनके काउंटी क्रिकेट में से स्क्वाड में ऐड करने वाली है, पर अभी तक उन्होंने वो नाम नहीं बताया कि किसे ऐड करने वाली है, पर मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि जैक लीच ही खेलने चाहिए। सेम लोकेश ब्रदर ने क्या जो कहे? कहा,
जी हाँ, जी सेम प्रथम ने जो कहा वही, मैं प्रथम के साथ जाऊंगा। आपने तो मतलब सरफराज अहमद जैसा माय जी आंसर हाँ, आल्सो डिफरेंट। यस। जी, और जो नए गेंदबाज आने वाले हैं आपने कहा, उनको तो शायद नहीं मिलेगा मौका, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वाड में दो तीन मेंबर्स मौजूद है जो उनकी जगह ले सकते हैं रॉबिसन की। और फिर पर ये भी देखना पड़ेगा इंग्लैंड को कि जो उनके 7 बैट्समैन प्रॉपर खिलाए उन्होंने, क्या वो उसमें से कम करके एक बॉलर या फिर ऑलराउंडर उनके पास अगर हो तो वो ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, और न्यूजीलैंड की तरफ से ट्रेंट बोल्ट सेकंड टेस्ट मैच हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। जो सेकंड टेस्ट मैच है वो एज बैट्समैन में खेला जाने वाला है, और उसमें ट्रेंट बोल्ट ने अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है, तो होपफुली वो सेकंड टेस्ट में हमें नजर आएंगे। तो मतलब किस किस स्पॉट जाने वाली है, आपको क्या लगता है न्यूजीलैंड की तरफ से? जी मुझे लगता है कि शायद कॉलिन डी ग्रैंडोम बाहर जाए। हाँ सही बात है, लेकिन फिर एक ऑलराउंडर नहीं, क्योंकि मिचेल देखिए सैंट। मिचेल सैंटन ने, क्योंकि एक स्पिनर तो मेरे ख्याल से चाहेंगे न्यूजीलैंड में खिलाना, और हाँ मतलब जो मिचेल सैंटनर थे ना इस बार, तो हाँ हाँ, शायद वो रहेंगे। सही बात, तो देखिए पहली बात तो देखिए, कॉलिन डी ग्रैंडोम और काइल जेमिसन ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी दोनों ने की है, पर जो बात आ जाती है ना कि देखिए कॉलिन डी ग्रैंडोम और कॉलिन डी ग्रैंडोम की स्पीड लगभग रहती है 125 से 130, और काइल जेमिसन की भी कुछ ज्यादा स्पीड है, वो भी 135 के आसपास की डालते हैं, और दोनों एक मतलब मीडियम फास्ट ऑलराउंडर कह सकते हैं हम उन्हें। जी तो दोनों जो लेकिन प्लेयर्स है ये, इनके हाँ पास सेम स्किल सेट है, बस काइल जेमिसन के पास ये फायदा रहता है कि उन्हें एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। तो जो मुझे लगता है जी कि हम दोनों को एक साथ मतलब खिलाना खिलाना नहीं चाहिए, उन्हें दोनों एक साथ नहीं खेल हाँ, सकते हैं। जैसा आपने कहा जेमिसन को उनके जगह पे चांस मिलेगा, क्योंकि उनका जो एक्स्ट्रा बाउंस है वही हमने देखा है बहुत काम की चीज है। आईपीएल में भी देखा हमने, अच्छे अच्छे बल्लेबाज स्ट्रगल करते हैं, अगर एक्स्ट्रा बाउंस से बॉल अगर आ गई यहाँ पे चेस्ट के हाइट पे तो स्लिप में और गली में कैच उड़ने के ज्यादा चांसेस है। जी हाँ, और अगर और हम ऑलराउंडर पे डिपेंड करने लग गए तो फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि भाई सऊदी के छक्के और बोल्ट के छक्के देखने चाहिए, काफी उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी की है। हमारा डिस्कशन इसी के बारे में हुआ था कल, हम बात कर रहे थे कि सऊदी के ज्यादा छक्के हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, सेवेंटी सचिन थ्री सिक्सटी फाइव आई तेंदुलकर, थिंक रिकी पॉन्टिंग, उनसे। सचिन तेंदुलकर, और अभी वो ओवरकम कर देंगे धोनी को, और ट्रेंट बोल्ट के भी है, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, जो रूट, मतलब काफी बल्लेबाजों से ऋषभ पंत के ज्यादा है वो लोग, लेकिन सऊदी से कम है। हाँ अगर मतलब उनको अगर वो बल्ला घुमाना होता है तो उनका तो सेटल काम है, ज्यादा टेंशन नहीं रहता है। जी हाँ, तो फिर ये शो के लिए अलविदा ले लिया जाए। हाँ, और आप बता दीजिए ना सेकंड वीडियो किस चीज पे आने वाली है। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है, जो एक मतलब एक बहुत चर्चा का विषय है ऑली रॉबिन्सन के बारे में, कि ऑली रॉबिन्सन ने जो 8-10 साल पहले जो चीज की थी, क्या उसके बेसिस पे अभी सजा देना क्या ये सही है या नहीं है, और तमाम जो चीजें इससे रिलेटेड है, जो भी अभी इतना सब कुछ घटा है रिसेंट में, तो हम उन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या चीजें और हो सकती थी, और जो चीजें की गई है क्या वो सही है या गलत। तो हमारा ये नेक्स्ट वीडियो ऑली रॉबिन्सन में जल्द आने वाला है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो आज के लिए यही अलविदा लेते हैं। अगर आपको हमारे शो पसंद आते हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने को पैसे नहीं लगते। तो ठीक जी है, धन्यवाद। हाँ।